खबर इंडिया 7। नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन गए। बीजेपी हो या सरकार, देश के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला नाम और दूसरा नाम अमित शाह का आता है। लेकिन मोदी सरकार एक में राजनाथ सिंह मोदी के बाद नंबर दो के नेता माने जाते थे, लेकिन अब मोदी की दूसरी सरकार में नंबर दो की हैसियत अमित शाह की हो गई है। प्रचंड जीत का सेहरा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के सर बांधा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राजनाथ सिंह दूसरे पायदान से तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमित शाह को राजनाथ सिंह का गृह मंत्रालय सौंप दिया गया है और ये माना जाता है कि सरकार के अंदर नंबर दो की हैसियत उसी की होती है जिसके पास गृह मंत्रालय हो। तो क्या राजनाथ सिंह नंबर दो से खिसक कर अब नंबर तीन पर जा पहुंचे हैं? राजनाथ सिंह की सरकार में हैसियत अब नंबर तीन पर पहुंच गई है। वैसे जब नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे थे तो सबसे पहली सीट पर वो बैठे थे और उनके बगल में बैठे थे राजनाथ सिंह, उसके बाद बैठे थे अमित शाह। सबके मन में कयास यही था कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन अगले दिन पूरा का पूरा खेल बदल दिया गया और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय और अमित शाह को गृह मंत्रालय सौंप दिया गया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है अमित शाह अपने आप को मोदी के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति मान रहे हैं, जबकि राजनाथ सिंह को दूसरे नंबर पर शपथ दिलाकर उनको दूसरा ताकतवर व्यक्ति दिखाने की कोशिश तो की गई, लेकिन इसके उलट उनसे गृह मंत्रालय छीन कर अमित शाह को दे दिया गया। दरअसल अमित शाह के पास गृह मंत्रालय रहने के कुछ कारण भी हैं। गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम है। राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों और भी तमाम ऐसे राज्यों से जुड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर ये मंत्रालय काफी अहम माना जाता है। शायद यही वजह है कि अमित शाह ने इस मंत्रालय को अपने पास रखा, जबकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। अब पार्टी और सरकार में कौन नंबर दो और कौन नंबर तीन है, ये बात तो पार्टी के नेता बेहतर बता सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। खबर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।